बेजुबान पशु यदि गलती से आपको या आपके किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? किसी छोटी मोटी लकड़ी डंडे से उसे भगाएंगे? लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद में खूंटे से खुलकर खेत में घुसी एक भैंस पर खेत के मालिक पिता पुत्र ने सारी हदें पार करते हुए बेजुबान भैंस के साथ रूह कांपने वाली घटना को अंजाम दिया। खेत में घुसने पर पड़ोसी की भैंस के तेज धार हथियार से पैर काट डाले। और ये हमारी कट्टी इनके बिल्कुल नजदीक है खेत, आपस में थोड़ी सी जगह या थोड़ा आगे चली गई और बाप बेटा ने मिल गए इसको बांध के बुरी तरह करके काट दी। मारे बाद में सूचना दी, फिर मैं घर आया। इनका मारना देवकरण और बिंगो पुत्र बिल्कुल नजदीक है, एक ही डोली है, बीच में श्यामला है, आधो किलो जगह बीच में है, दोनों में नजदीक दानी है दोनों सामने। ये तो देखो जी वो औजार वो कापो कुपो जो लकड़ी से काटना भी काटी है पूरी तरह। डॉक्टर आया 3 घंटा पूरा, डॉक्टर से मतलब मनगाम जो इंचार्ज है 2 दिन साथ में हेल्पर है, 2-2.5 घंटा में उपचार करी है, उपचार करके डॉक्टर गया भी बाद में पुलिस आई है, पुलिस वाले बोले जी मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पर कार्रवाई कराऊंगा। इस मामले में पुलिस ने भैंस मालिक जगदीश की शिकायत पर आरोपी खेत मालिक पिता पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैंस मालिक जगदीश ने बताया कि उनके परिवार में किसी का निधन हो गया था और परिवार के सभी लोग मृतक के घर गए थे। पीछे से घर पर बंधी भैंस खूंटे से खुलकर अचानक पड़ोसी के खेत में चली गई और आरोप है कि पड़ोसी राजेंद्र ने अपने पिता के साथ मिलकर भैंस के दोनों पैर काट डाले। जगदीश सुनो मंगतराम वासी सिंधान ने थाना में आकर एक शिकायत पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि वो गांव में खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं तो उनकी जो भैंस थी वो उसकी छोटी बच्ची गले से खुला के और पड़ोसी उसका पड़ोसी है राजेंद्र उसके खेत में चली गई। खेत में जाने के बाद राजेंद्र और उसके पिताजी देवकरण दोनों ने मिलके उसकी जो कटिया है उसको तेज धार हथियारों से उसको चोट मारी जिससे वो कटिया घायल हो गई है। जगदीश की शिकायत के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच आरम्भ कर दिया। तो वहीं पशु डॉक्टरों की टीम ने मौके पर आकर 3 घंटे तक भैंस का इलाज किया और किसी तरह भैंस की जान बचाई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि आरोपी खेत मालिक राजेंद्र और पिता देवकरण के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। फतेहाबाद से न्यूज के लिए जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।